Hey guys, how are you all? Hope are doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इंटरनली महिलाओं की बॉडी काम कर रही होती है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आपको एक्सटर्नली भी दिखाई देता है एज अ सिम्टम, यानी एज अ प्रेगनेंसी के लक्षण. वो लक्षण आपकी बॉडी में भी दिखाई दे सकते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी दिखाई दे सकते हैं. तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शुरुआती प्रेगनेंसी में आपके प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं. अगर ये चेंजेस आपको अपनी बॉडी में दिख रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स में दिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है. क्योंकि मेनली महिलाएं जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो वो फोकस करती है बॉडी के चेंजेस को. लाइक बॉडी में अगर उनका कोई चेंजेस दिख रहा है तब वो समझ पाती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है. बट कई महिलाओं को बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं दिखते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में दिखते हैं. कई महिलाओं को बॉडी में भी दिखते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में भी दिखते हैं. तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं तो आपको ये सभी चेंजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो सबसे पहले गाइस, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद से ही महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है. कुछ नए हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, एम्ब्रियो की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से जो महिलाओं का सर्वाइकल म्यूकस है वो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ पतला निकलता है. तो ये सबसे पहला साइन है. अगर इस तरीके का चेंज आप डिस्चार्ज में, म्यूकस में नोटिस कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है. बट एक लक्षण पे आप रिलाय नहीं कर सकते हैं. तो मैं आपको 5-6 लक्षण और बताती हूँ. अगर इनमें से 2 लक्षण भी आपको दिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी प्रेगनेंसी का ही साइन है. इसके अलावा प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की यूरिन में भी कुछ चेंजेस आपको अर्ली फेज में देखे जाते हैं. देखिए क्या होता है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो महिलाओं की यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किडनी का भी काम ज़्यादा बढ़ जाता है. तो किडनी जल्दी जल्दी फिल्टर आउट होती है, जिसकी वजह से अर्ली फेज में ही महिलाओं को यूरिन पास करने की दिक्कत होने लगती है. बार बार आप यूरिन पास करने वॉशरूम में जाते हैं. और लेटर ऑन क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, बच्चे का वेट बढ़ता है, तो उसका प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर में पड़ता है, जिसकी वजह से थ्रू आउट 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है. बट उसके अलावा यूरिन आपको गाढ़ी दिखेगी, उसका कलर जो है पहले हल्का पीला लगता था या ट्रांसपेरेंट लगता था, अभी आपको ज़्यादा पीला, ज़्यादा गाढ़ा और उसमें साथ में बुलबुले भी नज़र आने लगते हैं और यूरिन में से आपको स्मेल भी आना शुरू हो जाती है. ये सब हो रहा होता है प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से. इसके साथ आपको वजाइना में या आपके बच्चेदानी के आसपास, यूट्रस के आसपास, जहां भी बच्चा आरोपित हुआ है उस जगह पे आपको हल्का हल्का सा खिंचाव, चुभन, हल्की हल्की सी मरोड़े फील हो सकती है. क्योंकि जब बच्चा आरोपित होता है तो वो आपके यूट्रस में होता है, बट वहां पे खिंचाव टाइप का होता है जिसकी वजह से वो अंदर को धंसता है. तो इसी की वजह से आपके बच्चेदानी के आसपास और वजाइना के आसपास हल्की हल्की सी जो सेंसेशन मैंने बताई है वो आपको महसूस हो सकती है और इवन आपको झंझनाहट जैसी सेंसेशन भी हो सकती है. इसके साथ साथ जब बच्चा आरोपित होता है तो वहाँ के कुछ टिश्यूज भी रप्चर हो जाते हैं कुछ महिलाओं के केसेस में, जिसकी वजह से आपको हल्की हल्की सी स्पॉटिंग भी नज़र आ सकती है. इसका कलर मेनली पिंकिश और ब्राउनिश कलर का होता है. ये डिस्चार्ज के फॉर्म में आपको ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज भी निकल सकता है या पिंकिश कलर की या ब्राउनिश कलर की हल्की सी वाटर की कंसिस्टेंसी में, पानी की तरह हल्की सी स्पॉटिंग, अपनी पैंटी में कुछ बूंदे ऐसा दिखाई दे सकती है. इसका फ्लो बहुत ज़्यादा कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, पूरा दिन भर नहीं चलती है. कभी आपको कुछ बूंदें दिखाई दे दी तो ये हो सकता है सुबह दिखाई दी तो फिर शाम को दिखाई दे, हो सकता है दिन में एक ही बार दिखाई दे. सिर्फ 2 या 3 दिन तक आपको ये ब्लीडिंग हो सकती है. इसके साथ साथ क्या होता है, प्रेगनेंसी में ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है पूरी बॉडी में, आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी होता है, जिसकी वजह से जो वजाइना की वॉल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं. अगर आप सर्विक्स को एग्जामिन कर रहे हैं, यानी जो यूट्रस का मुंह होता है, बच्चेदानी का मुंह होता है, उसे हम सर्विक्स कहते हैं, अगर आप उसे एग्जामिन कर रहे हैं तो आप देखेंगे वो एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है. आपका पोजीशन भी बिल्कुल हाई चली गई है, जो पीरियड आने से पहले लो हो जाती है हार्मोन कम होने की वजह से. बस इस टाइम आपको वो एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, मुलायम लग रहा है, साथ में वो ज़्यादा डिस्चार्ज को भी प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये सभी चेंजेस आपको दिखाई देते हैं बहुत ही शुरुआती प्रेगनेंसी में. अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स में ये सब चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं या इनमें से 2 चेंजेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये आपकी बॉडी साइन दे रही है कि आपने सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया. और इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं. यही आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन.